दोस्तों सातोशी कोर एप्लीकेशन में जो कोर क्वाइन को आपने माइनिंग किया हुआ था मेटामास्क में तो आपके ट्रांसफर हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन था कि हर महीने यहाँ पर कुछ क्वाइंस आपके मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफर होते रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यदि आपके पास 240 कोर क्वाइन है, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसे 24 से आप डिवाइड करते हैं तो हर महीने यानी कि जो अगर आपने सातोशी कोर एप्लीकेशन में टोटल जो आपके क्वाइन अगर 240 हैं तो यहाँ पर 24 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 10 कोर क्वाइन। ठीक है, तो ये 10 कोर क्वाइन जो है आपके हर महीने यहां पर आपके मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफर होते रहेंगे। तो जैसा कि 10 मार्च का यहां पर डेट था, 10 मार्च को जो इन्होंने मेटामास्क वॉलेट में क्वाइन को ट्रांसफर किए हैं, तो यहां पर कुछ क्वाइंस जो होंगे मेरा मेटामास्क वॉलेट में कैसे आएगा, हम मेटामास्क वॉलेट में लेने के बाद इसे हम यहां पर स्टेकिंग लगा देंगे। जैसे कि ब्राउजर में आप आओगे तो आपने भी यहां पर अपने क्वाइंस को, मैं आशा करता हूं कि अपने क्वाइंस को आपने यहां पर स्टेक लगाया होगा, जैसे मैंने यहां पर अपना स्टेक लगाया है 227 कोर क्वाइन है। तो यहां पर अब क्या है कि 10 मार्च को दोस्तों मैंने क्लेम नहीं किया है, तो वो किस प्रकार क्लेम करना है इस पर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करने वाला हूं। पहला कि यहां पर जो हमें हर मंथली को जो कोर क्वाइंस मिल रहे हैं वो किस प्रकार से ट्रांसफर करना है, और दूसरा यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है क्योंकि मेरे अंडर में जिन्होंने माइन किया हुआ था उनका यहाँ पर दोस्तों मेटामास्क वॉलेट से जब उन्होंने अपने क्वाइन को ट्रांसफर कर रहे थे मेटामास्क वॉलेट में, तो उनके वॉलेट में न ट्रांसफर होकर किसी दूसरे के वॉलेट में ट्रांसफर हुआ है, वो वॉलेट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेटामास्क वॉलेट में यहाँ पर क्या है कि स्कैम भी हो रहा है। यह एड्रेस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 750 कोर क्वाइन ट्रांसफर हुए हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट है कोर क्वाइन का, ये इतना बड़ा स्कैम हो रहा है मेटामास्क में, तो आप ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहिए। यहां पर जो मैं टर्म एंड कंडीशन बता रहा हूं उसे ही फॉलो कीजिए ताकि आपके साथ यहां पर स्कैम ना हो। दोस्तों यहां पर जो कोर क्वाइन आपने और इतने मेहनत से यहां पर कलेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर अगर कोई अचानक आकर के और यहां पर आपका हैक करके मेटामास्क को अगर सारे क्वाइंस ले लेंगे तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों एक बहुत बड़ी चुनौती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बहुत से लोग हैं कि टेक्नोलॉजी ऐसे टेक्नोलॉजी पर क्या है कि ज़्यादा वर्क नहीं किए रहते हैं या वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, कोई यहाँ पर उनको कोई अगर मानकर चलो कोई वो वॉलेट या कोई ऐसा लिंक शेयर करते हैं जो आप जब वहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो वहीं पर क्या होता है स्कैम होना शुरू हो जाते हैं। तो मेटामास्क वॉलेट जब भी आप ओपन करते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्कैम से कैसे बचना है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो हमें 10 मार्च को यहाँ पर क्वाइंस मिले हुए हैं उसे किस प्रकार से क्लेम करना है। ठीक है, मैं आप दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि दोस्तों कोर क्वाइन को कैसे सेफ रखना है इस पर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। इसलिए दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर अपने कोर क्वाइन को किस प्रकार से ट्रांसफर करना है यानी कि क्लेम करना है। तो यहां पर जो stake.core.dao.org का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद इसे कट कर देना है। आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रख लेना कि यहाँ पर जो आप टाइप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर काफी स्कैम वाले भी हैं लिंक कर रहे हैं https करेंगे core.dao और ORG का ये जो सबसे ऊपर वाला इसे हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एयर ड्रॉप का ऑप्शन आ जाता है देखने के लिए, देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर एयरड्रॉप का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो कोर क्वाइन आपके यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कंफर्म आपको कर लेना है, यहाँ पर जैसे कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ऐसे इसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, कन्फर्म पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको कोर क्वाइन मिले हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर 28.9 कोर क्वाइन मिला हुआ है एक महीने का, तो इसे मैं क्लेम करूंगा और क्लेम करने के बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बस सिंपली आपको क्लेम करना है। नीचे थोड़ा और आप करोगे तो यहां पर कंफर्म का ऑप्शन आ जाता है, कंफर्म पर आपको यहां पर ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर जो मेटामास्क वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट में यहां पर जितने कोर क्वाइन थे वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, वो किस प्रकार से हम देख पाएंगे। तो यहाँ का जो प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से यहाँ पर जो ऊपर 3 डॉट है क्लिक करेंगे, फिर वॉलेट के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों 29 कोर मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे मैं स्टेक पे लगा देता हूँ। स्टेक पे लगाने के लिए क्या करना है, फिर ब्राउजर के सेक्शन में आएंगे तो यह जो अभी शो कर रहा है कोर कम्युनिटी का
एयरड्रॉप वाला सेक्शन, इसको फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर क्लिक करने के बाद इसको कट कर देना है। फिर आपको करना क्या है, http://stack.codedao.org का, और उसके बाद इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपने मेटामास्क को ऐड किया था, कनेक्ट वॉलेट किया था, वो माई स्टेकिंग का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा 227.6 कोर है, और यहाँ पर जो वॉलेट में पड़ा हुआ है लगभग यहाँ पर देख पा रहे हैं वॉलेट में 29 कोर क्वाइन है। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से डेलीगेट करेंगे, तो सिंपली फिर ब्राउजर पे आएंगे। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर मेरे टोटल कोर डेलीगेटेड हैं 227। अब यहाँ पर जो और एक्स्ट्रा क्वाइन है मैं इसे किस प्रकार से करूँगा, तो यहाँ पर कोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो वैलिडेटर्स हैं यहाँ पर वैलिडेटर्स आपको इतने सारे देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑलरेडी जिस वैलिडेटर पर आपने लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 वैलिडेटर पर लगाया है, ऑर्डेंस का, डाओ वैलिडेटर्स का है, वुल्फ एज का। ठीक है, तो वुल्फ एज में आप देखेंगे यहाँ पर रिवार्डेड 58.46% मिल रहा है, और यहाँ पर मैंने 14.5 यहाँ पर अभी कोर क्वाइन को लगाया, तो 29 में यहाँ पर और डेलीगेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 29 में यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे आप देखें टोटल डिपॉजिट है तो 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, अब यहाँ पर डिलीगेट के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर फिर कंफर्म हमें कर देना है। और जो कोर क्वाइन को हमने यहाँ पर क्लेम किया हुआ था, यहाँ पर मैंने इसको स्टेक कर दिया है, यानी कि इससे भी मेरे कुछ ना कुछ क्वाइंस बढ़ते रहेंगे। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं 227.6 है, फिर आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो मैंने कोर मेरे क्वाइंस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 256.6 कोर मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको साथ शेयर किया था, यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे क्लेम का ऑप्शन है, तो अभी मुझे क्लेम नहीं करना है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर मुझे पर डे मिला था, मतलब कल का, यहाँ पर 0.3 यहाँ पर कोर मिले हुए हैं। तो ये दोस्तों अभी मैं क्लेम करूँगा तो कुछ यहाँ पर गैस फीस भी कटता है कोर का, इसलिए यहाँ पर जब तक ये 1 या 2 कोर क्वाइन नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इसे अभी क्लेम नहीं करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये था कि यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ स्कैम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे एक जो यहाँ पर व्यूवर्स हैं जो यहाँ पर कोर में काफ़ी टाइम से माइनिंग कर रहे थे, और बंदे ने बहुत मेहनत किया था, उसका यहाँ पर जब क्लेम किया 750 कोर क्वाइन, तो वो क्या है कि ऑटोमेटिक उसके वॉलेट में नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, तो उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप जब सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट ऐसे हैं कि यहाँ पर जो .org है, .org के बाद में .in देखने को मिल जाएगा, या .orgs देखने को मिल जाएगा, या कुछ अलग टाइप के यहाँ पर आपको ये URL में लास्ट में देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर वेबसाइट है कोर एप्लीकेशन का, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको किसी नोटबुक डायरी में नोट करके रख लीजिए, या अच्छे से आप देख लीजिए कि यही जो वेबसाइट है या नहीं। किसी दूसरे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो क्या है कि आपका यहाँ पर जितने भी क्वाइंस रहेंगे वो एसेस कर लेगा। एसेस करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जो आपके क्वाइंस रहेंगे ना, वो किसी और के पास ट्रांसफर होते जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, ये जो एक मेरा एक प्रूफ के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर यह जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे हर 1 सेकेंड 5 सेकेंड में यहाँ पर 3 कोर, तो 200 कोर 50 कोर पता नहीं कैसे ऐड हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा स्कैमर्स का ये यहाँ पर एड्रेस है, जिनके साथ 750 कोर क्वाइन का यहाँ पर स्कैम हुआ है, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर यह स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है। तो दोस्तों आप भी सतर्क हो जाइए, और सतर्क होने का मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे यहाँ पर सातोशी कोर एप्लीकेशन में आप माइनिंग कर रहे थे जो कोर क्वाइन को, यहाँ पर क्या करना था, यहाँ से तो आप जो आपने कोर क्वाइन को यहाँ पर माइनिंग किया था वो तो आपके ट्रांसफर होकर मेटामास्क वॉलेट में, और मेटामास्क वॉलेट में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे एक गलती ये होता है कि आप यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इथेरियम मेननेट पे, यहाँ पर आपको कोई एयरड्रॉप जैसे मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि रिसीव के सेक्शन पे आप आओगे, तो यहाँ पर आपको ये एड्रेस होता है, ये आप शेयर करते हैं, आपको लगता है कि ये 100% सिक्योर है। दोस्तों यहाँ पर सिक्योर नहीं होता है। अगर यहाँ पर आप जैसे कि स्वैपिंग का जो ऑप्शन है, दूसरा जो यहाँ पर है कि आप यहाँ पर जो स्वैप करते हैं, यानी कि अगर BNB को अगर आप यहाँ पर USDT में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय कोई दूसरा कोई लिंक अगर शेयर करता है तो उसके साथ आपको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर बस कोर आपका ऐड हो, साथ में और किसी दूसरा क्रिप्टो
करेंसी को आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत नहीं है। यदि कोर अगर आपके पास अच्छे खासे अमाउंट में है तो यहाँ पर कोई दूसरा जैसे कि आपका इथेरियम हो गया या बीएनबी हुआ या बिटकॉइन हुआ या अदर जो भी क्रिप्टो करेंसी है आपको मेटामास्क में ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेटामास्क में मैं अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को ऐड करूँ या खरीद के रख लूँ तो इसके लिए आपको क्या मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि यह जो अकाउंट है इसे तो आप सेफ करके रख लीजिए और मेटामास्क का दूसरा अकाउंट बना लीजिए अदर ट्रेडिंग के लिए। और उसका जो सिक्योरिटी कोड है जैसे कि आप सेटिंग के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर सारा फीचर्स दिया रहता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, यहाँ पर सभी आप ऑन कर लीजिए। जैसे 2FA भी एक होता है 2FA यानी कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा दोस्तों। जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग लेटेस्ट न्यूज इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।